हेलो ग्रेट फाइव स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू विद एक्सप्लेनेशन एंड टेक्चुअल एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स बी माय मल्टीपल आई एल बी योर फैक्टर ऑन पेज नंबर नाइंटी फोर वी हैव बीन गिवन अ टॉपिक एंड इट्स नेम इज़ बैंगल्स ठीक है हमें पेज नंबर नाइन्टी फोर पर एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है बैंगल्स देर आर एटीन बैंगल्स ऑन द रॉड मीना इज़ ट्राइंग टू ग्रुप दैम शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स ऑफ टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन विदाउट एनी बैंगल्स बींगफ ठीक है सो मीना नाम की एक गॉल है शी इज़ हैविंग एटीन बैंगल्स और वो क्या कर रही है उन बैंगल्स का ग्रुप बना रही है इन ग्रुप्स ऑफ टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन विदाउट एनी बैंगल बींग लेफ्ट यानी कि अगर वो टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन बैंगल्स का ग्रुप बना रही है तो एक भी बैंगल नहीं बच रही है ठीक है नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ एटीन बैंगल इच हमसे पूछा है कि मीना के पास कितने ग्रुप्स होंगे अगर वो हर एक ग्रुप में सिर्फ एक एक बैंगल रखती है ठीक है शी इन टोटल शी इज हैविंग एटीन बैंगल्स अगर वो एक एक बैंगल का ग्रुप बना रही है तो कितने ग्रुप्स बनेंगे एटीन तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इफ मीना मेक्स ग्रुप्स ऑफ वन बैंगल ईच शी विल गेट एटीन ग्रुप्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट द टेबल

ठीक है बेसिकली आपको क्या करना है इसमें आपको फैक्टर्स लिखने हैं क्या लिखने हैं फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एटीन बैंगल्स हैं तो ऐसे कौन से कौन से ग्रुप हैं जो हम बनाएंगे तो एक भी बैंगल बचेगी नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे एटीन के फैक्टर्स लिख देंगे ओके सो एटीन के कौन से फैक्टर्स हैं वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर वी हैव ट्वेंटी फोर बैंगल्स सो वील मेक ग्रुप्स ऑफ वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर ओके नेक्स्ट वी हैव फाइव सो कौन से कौन से ग्रुप हम बना सकते हैं ताकि फाइव बैंगल्स हों और उसमें से एक भी बैंगल लेफ्ट ना हो तो कौन से कौन से ग्रुप्स बनेंगे वन एंड फाइव नेक्स्ट वी हैव नाइन सो फॉर नाइन वी कैन मेक ग्रुप्स ऑफ वन थ्री एंड नाइन देन वी हैव सेवेन फॉर सेवेन वी वी कैन मेक ग्रुप्स ऑफ वन एंड सेवेन देन वी हैव टू फॉर टू बैंगल्स वी कैन मेक ग्रुप्स ऑफ वन एंड टू देन वी हैव टेन so for 10 we can make groups of 1 2 5 and 10 then we have one bangle only so for that we can make group of only one okay then we have 20 bangles so for 20 bangles we can make groups of 1 2 4 5 10 and 20 then we have 13 bangles so, for 13 bangles, we can make groups of 1 and 13. Then we have 21 bangles. So, for 21, we can make groups of 1, 3, 7, and 21. Okay, students, I hope you have understood this question properly. Now, we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.